पहचान है वो है मोहम्मद अली रोड, जिसे टाउन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की तंग गलियाँ और पुराने मकान यहाँ की तहजीब और कल्चर को बहुत बखूबी दर्शाते हैं। तो वहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट फेमस ही नहीं हिंदुस्तान में बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, सुलेमान उस्मान मिठाई वाले। आप सोच रहे हो कि मिठाई वाले तो बहुत हैं, बट यहाँ की क्या ऐसी फेमस आइटम है जो और मिठाई वालों के पास नहीं मिलती है, यही दिखाने के लिए मैं आपको इनके पास लेकर आया हूं। और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे कितनी वैरायटी की मिठाइयां अवेलेबल है और सबसे सिग्नेचर और सबसे फेमस मिठाई उनकी कौन सी है। हम सुलेमान उस्मान दुकान में फाइनली पहुंच गए हैं, यहां के जो ऑनर हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? जो आप, क्योंकि वैरायटी तो बहुत सारी है, मगर जो सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम है वो कौन सी? हमारा अफलातून है। अफलातून है। अच्छा, अफलातून और ड्राई फ्रूट बर्फी जो इनकी सिग्नेचर मिठाइयाँ हैं जिसको खाने लोग दूर दूर से आते हैं। और अफलातून से हमारे गोल्ड गार्डन भी मिला हुआ है। अच्छा, 8 गोल्ड गार्डन। ओके, चांद भाई की मोहब्बत देखिए कि इन्होंने फ़ौरन हमें बताया कि ये इनका ड्राई फ्रूट अफलातून स्पेशल अफलातून है ये इनका, और इसकी वजह से इनको गोल्डन अवार्ड भी मिला हुआ है, 8 गोल्ड मेडल। आपकी चांद भाई सुलेमान उस्मान की और भी ब्रांच है? ऐसा कोई ब्रांच नहीं है, सुलेमान उस्मान सिर्फ एक ही शॉप है हमारी। सिर्फ एक ही शॉप है? ऐसा भाई लोग की शॉप है। हाँ, मतलब सुलेमान हमारा जो सुलेमान उस्मान जो मेन ब्रांच है वो ये एक ही शॉप है। सुलेमान उस्मान का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मगर ये उनकी एक मेन शॉप यही है। इसके टाइमिंग खुलने में बंद होने का सुबह फजर नमाज के बाद 7 बजे दुकान खुल जाती है, रात को 12 बजे बंद होती है। सुबह फजर की नमाज के बाद से रात के 12 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे का ये ब्रेक लेते हैं, और ये पूरे दिन खोलते हैं ऑलमोस्ट 20 आवर्स, और किसी दिन ऑफ भी रहता है? नहीं, हमारा कभी बंद नहीं होता दुकान, 365 दिन खुलती है। अब मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इनकी वैरायटी क्या है, टेस्ट भी करके बताऊँगा और इसकी रेट लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी चांद भाई, बताएं हमें यहाँ पे कितने वैरायटी के अफलातून आपके पास अवेलेबल है? 6 वैरायटी अफलातून। ओके, स्पेशल है, देसी में जाफरान में बना हुआ। ये क्या रुपए के जी है? 1500 रुपये के जी का। ये 1500 रुपये के जी। ओके, और दूसरा ये 1000 रुपये के जी है, स्पेशलिस्ट है। ओके, ये सब देसी घी में बने हुए हैं, जाफरान में बना हुआ। अच्छा, जाफरान की स्पेशलिटी है इसमें, और कुछ मसाले और भी है। अच्छा, और ये दूसरा है ये 860 रुपीज़ के जी। ओके, हमारा मतलब मीडियम है, बेस्ट है। ओके, और देसी घी में बना हुआ ये भी? अच्छा, और दूसरा ये है 780 का है जी, 660 का है, ये दोनों मिक्स घी है। अच्छा, ये देसी घी में नहीं है, ये मिक्स में है, ये मिक्स वेराइटी है। अच्छा, 560 का लास्ट है। अच्छा, 560 सबसे लो रेंज है आपकी। सुलेमान उस्मान क्या मिठाइयों की वैरायटी के साथ साथ यहाँ पे नान खटाई में बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इनफैक्ट
मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैरायटी ऑफ नान खटाई इज़ अवेलेबल है, और ये भी सुलेमान उस्मान के यहाँ ही मिलती हैं आपको। अच्छा चांद भाई, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं पूछना भूल गया था और अब मुझे याद आया, मैं जानना चाहता हूँ कि सुलेमान उस्मान जो नाम है ये एक्चुअल में रखा किसके ऊपर था और किसने रखा था? ये असल बात ये सुलेमान, जो सुलेमान नाम है ये दादा का नाम है, दादा के नाम है, और उनके अब्बा का नाम उस्मान, उनके वालिद साहब का नाम उस्मान था, तो ये सुलेमान उस्मान ये पीढ़ी चली आ रही है। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये है फ्रूट लेटेक, ये एक शॉप है। आप सोच रहे होंगे कि ये इस वीडियो में इसका क्या मेल है, एक्चुअली सुलेमान उस्मान के जो ऑनर हैं चांद मोहम्मद चांद भाई, ये उन्हीं की एक वेंचर है, एक और जॉइंट है जो वो चलाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी वो अवेलेबल हैं। और ये जो जूस तो आपने कई वैरायटी के पिए होंगे, मगर ये जो जूस है यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जूस की इनकी अपनी पैकिंग है खुद की फ्रूट जूस की, और इनका जो स्टाइल है ना जूस का वो बहुत डिफरेंट है, जो मैं आपको आज इसके मेकिंग दिखाने वाला हूँ। ये जो जूस बना के देते हैं वो बहुत अलग स्टाइल में देते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, जो शायद अभी तक मैंने आज से पहले देखा नहीं है, जो मैं आपको अभी एक लाइव डेमो देने वाला हूँ। जी आप ही बताएं, ये एग्जैक्टली जो आइडिया था, जूस तो बहुत वैरायटी के हम लोग पीते हैं और रोड साइड पे बहुत मिलते हैं, बट इस जूस में क्या डिफरेंस है? ये जूस में डिफरेंट ये है कि मैं एक बार थाईलैंड गया था और okay. वहाँ पे देखा कि मतलब लोग कोकोनट को ऐसा हाफ कट करके और उसमें आइसक्रीम डाल के और पीनट्स डालने के बाद राइस जैसा कुछ डाले, तो मैं बोला इंडिया में लोग कोकोनट को जो है वो कभी पेट दुख गया, कभी हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो इसके लिए लोग कोकोनट वाटर इसके लिए पीते, लेकिन कोकोनट को मैं डेजर्ट पे ले गया। ये अपना वो कोकोनट है, मैं आपको बताता हूँ, हाँ हाँ ये वो कोकोनट है और इसमें जो है हम मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोकोनट है, आपने ऐसे सजा रखा है इसको। ये बिल्कुल ये डायमंड शेप कोकोनट है, ओके। शेप देने के बाद इसको कट करके इसके जो भी मलाई निकलते हैं, हाँ हाँ, पानी को सेपरेट करने के बाद फिर इसमें रबड़ी है ड्राई फ्रूट वॉलनट पूरा अच्छे से उसको बना के ये हम आपको कोकोनट क्रीम विद आइसक्रीम थोड़ी देर में खिलाने वाले। कितने फ्लेवर अवेलेबल है आपके पास? हमारे पास जो है मतलब 5 फ्लेवर है, ओके दिखाएं जरा हमें। ये मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, सीताफल है, चॉकलेट है, वेनिला है और ये कोकोनट पंच है। वाओ, ये 5 फ्लेवर है। और right. में आप जब तो आपकी इसकी और कोई ब्रांच भी है? जी हाँ, बॉम्बे में ये 8 ब्रांचेस है। अच्छा 8 ब्रांचेस खुल चुकी है। और ये बहुत ही टेम्पटिंग है सीताफल, उससे बोलते हैं सीताफल नारियल जूस, और फाइनली आइसक्रीम की टॉपिंग जो अंदर से देखिए प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं स्मार्ट सी लग रही है, क्यों कॉन्सेप्ट कोकोनट क्रीम विद आइसक्रीम का ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि बाकी में टेस्ट जो है वो बहुत ही डिलीशियस है, और कोकोनट के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली मैं कोकोनट को ठंडा करके फ्रीज करके फ्रोजन करके उसकी आइसक्रीम दिखा रहा हूँ, उसके अंदर क्रीम वाला फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही यम है। मैंने यहाँ से पहले आइसक्रीम फ्लेवर बहुत चखे, जूस भी बहुत चखे, बट दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। And I'm sure you guys, whenever you come to Mumbai, Mohammad Ali Road, we visit this place, Fruitmatic. It's the best brand I have ever seen. And Suleiman Usman walon ka ye concept hai. Unke saath unke bhai Akbar bhai ne ye shuru kiya hai. Acha Chand bhai hame ye batane wale hain ki yahan par is waqt plate mein kaun kaun si item available hai. तो जरा आप ये बताएं कौन कौन सा हलवा है और कौन कौन सी वैरायटी है? ये हमारा कलाकंद मलाई बर्फी है, ओके, मिल्क का बना हुआ है, और ये पाइनएप्पल फज है, ओके, ये स्ट्रॉबेरी है, ये अनार की बनी हुई है, ओके, ये मैंगो है, ओके, मैंगो मलाई बोलते हैं, मैंगो मलाई, और ये दूसरा है ड्राई फ्रूट्स की बर्फी, ओके, ये काजू कतली, काजू कतली जी, ये और आपकी सबसे फेमस अब मैं यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव जो अफलातून है मैं वो टेस्ट करके बताने वाला हूँ, जो फुल देसी घी में है, ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट किसी को पता नहीं होते, सॉफ्टनेस देखें आप इसकी, मतलब रात में ये टिकेगा नहीं, और इसकी सॉफ्टनेस की गारंटी है 20 दिन की, ये बिना फ्रिज के आप रख सकते हैं और खा सकते हैं, और
इसको खाने के बाद सिर्फ मुझे एक ही एहसास हो रहा है, या तो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहा है देसी घी का, या दूसरा टेस्ट आ रहा था वो ड्राई फ्रूट्स है। ऐसा लग रहा है सब कुछ मिक्सर ड्राई फ्रूट्स का करके उन्होंने एक पेस्ट तैयार किया है, और बहुत मीठा सा, बहुत लाइट मीठा है, बहुत ज़्यादा तेज मीठा नहीं है। जो कम मीठा खाते हैं बट मीठा खाना पसंद करते हैं वो भी ये लोग खा सकते हैं, और जो मीठा खाते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अफला गून आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ हलवा दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, मैं उनका टेस्ट करके बता दूँ। अच्छा, इसको जो रखने के लिए ये कितने दिन रह सकते हैं? ये जो मिल्क आइटम है ये कम से कम 4 डेज की लाइफ है, और ये ड्राई फ्रूट 20 डेज। ओके, जो मिल्क वाले आइटम है वो 4 डेज मैक्सिमम रह सकते हैं, तो सबको मालूम है दूध की आइटम में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मगर इसका टेस्ट कैसा है, मैं स्ट्रॉबेरी वाली आइटम ट्राई करके, स्ट्रॉबेरी हलवा। अगर आपने कभी दूध से बनी हुई आइटम को टेस्ट किया है उसमें ये बूंदी बूंदी सा टेस्ट आ रहा है, बट इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, मीठा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है जिसकी वजह से खाने में प्रॉब्लम हो। ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फ्लेवर आता है तो हम खा नहीं पाते। हमें मैंगो वाली मिठाई आपको ट्राई कर दो, ये मैंगो, वाओ, ऐसा लग रहा है मैं दशहरी आम खा रहा हूँ। मौसम कोई सा भी हो, 12 महीने में अगर आपको मैंगो हलवा खाना है या स्ट्रॉबेरी खानी है और आप मैंगो खाने के शौकीन हैं, ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैंगो इन्होंने यूज़ किया है। बहुत लजीज है, लाजवाब है, मतलब मीठे से ऐसा है कि अगर दिल ना भरे, लोग अगर मीठा खाते हैं तो मीठे से आप पेट भर सकें। एक और सबसे अच्छी बात बता दूँ मैं दुकान की, ये है कि आप कभी भी आएंगे ये टेस्ट भी इतना करा देते हैं कि आपका पेट भर जाए, और कभी मना नहीं करते, आप टेस्ट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद आप खरीदें पसंद आए। बट ऐसा होता नहीं है कि जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको 101% सुलेमान उस्मान इज़ अ ब्रांड जो आपको पसंद आता ही आता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने बचपन से आ रहा हूँ और यहाँ की मिठाई खा रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला इनकी हिस्ट्री जानने का, इनके बारे में जानने का, और मैं चाहता था कि आप तक पहुँचाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी इसके बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जब भी बॉम्बे आए मोहम्मद अली रोड पर सुलेमान उस्मान ज़रूर आएँ, वो भी मेन ब्रांच पर आएँ, क्योंकि इनकी और कोई ब्रांच नहीं है। टिल देन लेट मी ईट दिस हलवा।